Our today topic is self management skill. अब इसका फर्स्ट पॉइंट है बेटा स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को आप बोल सकते हो कि प्रेशर है या टेंशन या वरीज रिजल्ट फ्रॉम आवर प्रॉब्लम. ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो. स्ट्रेस इज अ चार्ज ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशंस. स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. दो तरह का स्ट्रेस हो सकता है बेटा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव. जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है दैट इज नोन एज क्यू स्ट्रेस, एंड नेगेटिव स्ट्रेस जो होता है उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रेस. देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेस के बारे में आप क्या बोल सकते हो? स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर, टेंशन, वरीज एंड प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. स्ट्रेस कैन बी आइदर और पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर. गुड स्ट्रेस इज नोन एज यू स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस इज नोन एज डिस्ट्रेस. अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक, दैट इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना. अब स्ट्रेस तो हमारी डेली लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से प्रेजेंट है, बट हाउ यू कैन मैनेज स्ट्रेस? यू कैन मैनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विद अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन. स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ह्यूमन के उन एफर्ट्स से हैं जिससे वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके एंड अपने माइंड को एस्टेब्लिश कर सके, माइंड बना सके कि उन सिचुएशन से स्ट्रेसफुल हो सके. ओकेजनल स्ट्रेस इज अ अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मीन्स आप ये समझ सकते हो कि स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हमारी लाइफ से. स्ट्रेस रेफर टू फिजिकल. स्ट्रेस कितनी तरह के हो सकते हैं? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस और या स्ट्रेन और टेंशन. देर आर थ्री टाइप्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस और टेंशन. स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट. कुछ टाइम स्ट्रेस का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है एंड दे हेल्प अस स्ट्रेच आवर सेल्फ टू ए न्यू लेवल. कई बार जो स्ट्रेस होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि उसको लेकर हम एक नए लेवल में पहुंच जाते हैं. हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड नीड टू बी मैनेज. जब हाई लेवल का स्ट्रेस हो जाता है और लॉन्ग पीरियड के लिए हो तो उसको मैनेज करना पड़ता है. इस स्ट्रेस वेल मैनेज कैन हेल्प वन व्यू इवेंट एंड सिचुएशन ऑल चेंजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स. स्ट्रेस को मैनेज करके कुछ पॉइंट्स आप हेल्प कर सकते हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं या चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं स्ट्रेस में, और वो हमारे पॉइंट्स हेल्प करते हैं स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए. अनमैनेजेबल स्ट्रेस लीड टू अनएक्सिटी एंड सोरो रिजल्टिंग. अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे ढंग से स्ट्रेस को तो आपको बैड रिजल्ट मिल सकते हैं. आपको इल स्टेटस ऑफ मेंटल, फिजिकल हेल्थ, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है अगर स्ट्रेस से बाहर ना निकले तो. स्ट्रेस क्योज एजेंट हैज द फॉलोइंग रीजन. अब स्ट्रेस के कारण क्या क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल. चार तरह के स्ट्रेस है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर? फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड सोशल. फर्स्ट इज मेंटल. स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, सबमिशंस, डेडलाइंस एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स. स्टूडेंट्स भी स्ट्रेस ले लेते हैं अगर वो अपने टाइम पर पूरा वर्क ना कर पाए. हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रॉनिक एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस. अगर आप अपने आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से हाई है, ठीक है, तो एक तो देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, आप अपने लिए मेहनत करोगे, ठीक है. बट अगर कई बार मेहनत करने से वो लेवल पे आप नहीं पहुंच पाए तो इससे आपको मेंटली वो कहते हैं डिप्रेशन में नहीं लेना है, ठीक है. अपने आप को करना है कि यस मेरे मेहनत में कुछ कमी है, थोड़ा और मुझे अभी मेहनत करनी थी. नेक्स्ट है फिजिकल. एज चाइल्ड ग्रो अप, जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स एंड हैव टू कोप अप विद हार्मोनल चेंजेस. जैसे बड़ा होता है तो कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके कुछ बॉडी पार्ट ढंग से वर्क ना कर रहे हों या फिर
जैसे हम लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ मेरा कलर डार्क है या फिर कर्ली हेयर्स हैं, स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, इस तरह का भी स्ट्रेस फिजिकल स्टेप्स में आ जाता है। इश्यू रिलेटेड टू जनरल वेल बींग एंड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल कैन लीड टू स्ट्रेस, ये आपका फिजिकल स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड होगा। थर्ड वन इज सोशल स्ट्रेस। अब सोशल स्ट्रेस में क्या आ गया, फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आप अपने हर फैमिली मेंबर्स की तरफ से एक्सपेक्टेशन उस होती है बच्चों के लिए कि हाँ मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरी बेटी ऐसी करेगी, तो जो और लोगों की तरफ से जो आप स्ट्रेस फील कर लेते हो मैनी टाइम्स, दैट इज नोन एज सोशल स्ट्रेस। डिस्कॉर्ड अमंगस्ट फैमिली मेंबर्स, पीयर प्रेशर फॉर डूइंग दैट विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड, मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंगस्ट फ्रेंड्स, स्टेटस शो ऑफ मे लीड टू स्ट्रेस एट टाइम्स। कई बार ऐसा होता है फैमिली मेंबर्स प्रेशर करते हैं कि आप ये करो, जो बच्चों अपने जो उन्हें पसंद नहीं होता उसको वो करना अवॉइड करते हैं। आपको कई बार होता है कि हाँ हमें तो ये स्ट्रीम दिलानी है बच्चे को, बच्चे को वो इंटरेस्ट में नहीं है, तो इससे भी उसको स्ट्रेस फील हो जाता है, दैट इज सोशल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस। यंगस्टर मे हैव फाइनेंशियल स्ट्रेस, यंगस्टर्स जो बड़े लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल, देखिए अगर जैसे आप लॉकडाउन के पीरियड में शॉप्स बंद हो गई, कोई इनकम का सोर्स नहीं था, तो ये स्ट्रेस भी आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाता है। दिस में बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सारी, क्योंकि यंगस्टर्स को ही सोचना पड़ता है फाइनेंशियल के बारे में। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। बींग वेल वर्स्ड विद स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म हेल्प पीपल लीड हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ। अगर स्ट्रेस आपकी मतलब लाइफ में एंटर करता है तो आप ट्राई करते हो उससे बाहर निकलने की, तो कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर पैर में दर्द है या फिर आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट करोगे, उससे आपको हेल्थ के प्रति कॉन्शियस भी हो जाती है। एडुकेट मैनेजमेंट स्ट्रेस प्रिवेंट मेडिकल एंड फिजिकल इलनेस। आप प्रॉपर वे से अगर स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो तो मेडिकल और फिजिकल इलनेस दूर हो जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ए वीटल बिकॉज इट्स लीड टू विद फॉलोइंग बेनिफिट। आपका मूड इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप स्ट्रेस से रिलीव हो जाते हो, अरे मेरा तो आज स्ट्रेस ये रिमूव हो गया, आपका मूड इम्प्रूव हो जाता है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम भी सही हो जाता है। अगर मान लो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी और आपने वॉक पे जाना स्टार्ट किया मॉर्निंग में, ठीक है, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। एक काम करने से मैनी फायदे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लीड्स टू ब्रस्ट ऑफ फिजिकल लेंथ स्ट्रेंथ विच इज विटल फॉर रीचिंग गोल। और दूसरा, आप अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने गोल को अचीव कर सकोगे। कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट ऑफ फॉर टेकिंग अनकम्प्लिश। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो तो आपको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से फिट होना चाहिए, तभी आप वर्क को कंप्लीट कर पाओगे। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट फिजिकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। आपसे इस तरह से भी होता है, अगर आप प्रॉपर मतलब हेल्दी पर्सन हो तो जो है डिसऑर्डर होता है चीज़ों का वो भी आप मैनेज कर दोगे बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पर्सन कोई भी वर्क डिपेंडेंट नहीं होता किसी के ऊपर और वो अपना वर्क अपने आप कर सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस इज अ मेंटल स्टेट वेयर वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। स्ट्रेस इस तरह की स्टेट है कि जैसे आप माइंड में सोचिए कि एक साइज का अगर आप कपड़ा ले आते हो तो वो सबको फिट नहीं हो सकता, इसी तरह से एक स्ट्रेस, एक पर्सन को जो स्ट्रेस है वो दूसरे पर्सन को नहीं हो सकता। हर पर्सन का स्ट्रेस पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा, ठीक है। किसी पर्सन को फिजिकल स्ट्रेस है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, माउथ सूखा रहता है, तो उसके लिए आप बटरफ्लाई की या फिर पेट से रिलेटेड या एसिडिटी या कोल्ड फीट इरिटेशंस एक्सेट्रा, ये टाइप ऑफ स्ट्रेस आ जाते हैं, ठीक है। मेंटल लेवल में सिम्टम्स आपको क्या दिखाई देंगे, वो इरिटेट रहेगा पर्सन, ठीक है, अपसेट रहेगा उसका मूड, डिप्रेस रहेगा, तो ये आपको उसके मेंटल लेवल पे शो कर देगा।
अब सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस विल हेल्प इंडिविजुअल मैनेज इट बेटर। अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है, सिम्टम्स के बारे में पता है, तो आप उसको स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। दे शुड ट्राई अंडरस्टैंड द कॉज, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड टेकिंग रेमिडियल मेजर्स। आप ट्राई कीजिए अपने आप को कारण पहले समझे कि हाँ रीज़न क्या है, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए एंड उसका सॉल्यूशन क्या होगा। दैट इज़ ऑल्सो अवॉइडिंग द इश्यूज़ को अवॉइड करें जो कि सिचुएशन उससे सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज़ का इशू बनाने से कि हाँ मैंने इस वजह से किया है, ऐसा इस वजह से हुआ है। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात कीजिए जो आपके वेल विशर्स होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में एज दो प्रोवाइड सोशल सपोर्ट सिस्टम, वे सोशल सपोर्ट भी करते हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग मैनेजमेंट वन टाइम अक्रॉस और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एड इन द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्ट्रेस को रिमूव करना चाहते हो, फिजिकल एक्सरसाइज ये आपकी हेल्प करती है। व्हेन स्ट्रेस इफेक्ट द ब्रेन, जब ब्रेन को इफेक्ट करता है रेस्ट बॉडी आल्सो फील इम्पैक्ट, अदर पार्ट्स भी ऐसा अपने आप मतलब कि वर्क नहीं करते प्रॉपरली। फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, स्कीपिंग और मैटरिंग इंक्लूड इन एनी स्पोर्ट हैज़ बीन फाउंड इन रिलीफ स्ट्रेस इन स्टेबलाइजिंग मूड, इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम एंड इंक्लूड स्लीप। तो फिजिकल एक्सरसाइज आपकी जैसे वॉक करना, स्किप कर लिया, तो ये इससे आपका मूड भी अच्छा होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका इसमें इंक्लूड स्लीपिंग भी। अगर आपको ज़्यादा थकान हो रही तो आप सो केयर भी अपने आप को स्ट्रेस रिमूव कर सकते हैं। ये दैट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज। अब स्ट्रेस रिमूव करने के मेथड्स हैं, फर्स्ट है आपका फिजिकल एक्सरसाइज, सेकेंड वन इज़ योगा। योगा वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी पोस्चर हो आपका, योगा सीरीज ऑफ पोस्चर कर लीजिए या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, इससे कंट्रोल होता है बॉडी और माइंड का एंड स्ट्रेस रिमूव होता है। नेक्स्ट है आपका मेडिटेशंस। मेडिटेशन अगर आपको स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, तो अपनी आइज करके प्रैक्टिस कर कीजिए, अपना फोकस कीजिए अपने माइंड को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, देन मेंटल स्ट्रेस से आपका रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है इंजॉइंग, अगर आपको कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है देन एक्टिविटीज़ कीजिए, मतलब मूवी देख लीजिए और गेम्स प्ले कर लीजिए, सिंगिंग कीजिए जो आपका फेवरेट थिंग्स हो, स्केच बना लीजिए, इससे भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। गोइंग टू वेकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाइए, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा वेकेशंस पे जाओगे तो डिस्ट्रेस हो जाओगे, आपको स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेकिंग नेचर वॉक एंड नेचर वॉक, ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। अगर आपको स्ट्रेस कभी फील होता है तो आप नेचर के करीब जाइए, ठीक है, अपनी ऐसी प्लेस पर जाइए जो आपको विलेज कंट्री साइड पे, विलेज में अगर आपको कोई फार्म हाउस वगैरह है वहाँ पे चले जाइए, इट हेल्प टू रिलैक्स, आपको रिलैक्स भी करेगा एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस। बेटा ये सेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ।